राजस्थान आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी खेमचंद जागीरदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया संबोधित। खेमचंद ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनता को लूटने लगी है। सरकार जन विरोधियों नीतियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी मोर्चा खोलने जा रही है। इसी 26 सितंबर को श्री गंगानगर जिले में किसान न्याय सभा का आयोजन किया जाएगा। किसान न्याय सभा को राजस्थान प्रभारी सांसद संजय सिंह सहित प्रदेश के किसानों व पार्टी नेताओं को करेंगे संबोधित। खेमचंद ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार में बिजली की दरों को देखकर कांग्रेस सरकार की मनमानी खत्म नहीं हो रही है, और साथ ही कहा कि आज देश में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल में लगातार वृद्धि कर केंद्र सरकार को घेरा। महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक आम आदमी पार्टी किसानों का हमेशा साथ देती रहेगी। दूसरा, हम लोगों ने पिछले एक साल से, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, यहां राजस्थान सरकार से अपील करते रहे हैं, हम आंदोलन करते रहे हैं और करते रहेंगे। बिजली की दरें यहां पर देश में सबसे ज्यादा है, जबकि यहां पर बिजली का उत्पादन होता है और सभी तरह की बिजली यहां बनाई जाती है, चाहे वो थर्मल से हो, चाहे वो हाइड्रो हो, एवं यहां पर न्यूक्लियर, उससे भी बिजली बनाई जाती है। लेकिन यहां पर बिजली सबसे ज्यादा दरों पे बेची जाती है, जबकि राजस्थान सरकार दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचती है और सस्ते दरों पे बेचती है। इसमें हम दिल्ली भी यहाँ से, राजस्थान से बिजली खरीदती है। तो आम आदमी पार्टी का ये हमेशा से मानना रहा है, बिजली, पानी और स्वास्थ्य और एजुकेशन, ये चार मुद्दे ऐसे जो